एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है वो न्यूली मैरिड लुक पर बेस्ड होगा। तो आप ये सावन या तो तीज या तो फिर कोई भी और इंडियन फेस्टिवल के लिए आप इसको कैरी कर सकते हो। वैसे सावन का आज लास्ट मंडे है, बट फॉर सम पीपल लाइक मी, हमारे लिए नेक्स्ट मंडे विल बी द लास्ट सावन फॉर द ईयर। तो वैसे ही मैंने ये क्रिएट करा है, होप आपको ये लुक अच्छा लगे। तो चलो फिर टाइम वेस्ट करे बिना देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव ऑलरेडी क्लीन माय फेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ निविया का लिप बाम। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लॉरियल हाइड्रा फ्रेश एंटी ऑक्स विथ डबल एसेंस। ये है जेल विथ मॉइस्चराइजर क्रीम। तो आपको जो फेस है उसको आपको हाइड्रेट करके रखेगा, प्लस मॉइस्चराइजर है तो मॉइस्चराइज भी करके रखेगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ उसके बाद गुड वाइफ से रेडियंट ग्लो फेस सीरम रोज हिप के साथ। तो दो तीन या तीन चार ड्रॉप आप लगा ले, फिर उसके बाद अच्छे से आप इसको अप्लाई कर लीजिए ऑल ओवर योर फेस। इससे आपका फेस को ग्लो मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ जो कि एसक्यू से है। तो ये जो प्राइमर है बिल्कुल लाइट वेट है, तो आप इसको अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कुछ हैवीनेस। तो आपके जो फेस है उसको हल्का सा शाइन और सॉफ्ट स्मूथ फील देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बीबी क्रीम गार्नियर से लगा रही हूँ, क्योंकि मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती तो इसीलिए मैं यहाँ पे बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ। आपको इसे और ज़्यादा अगर चाहिए होगा क्रीम तो आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे बस इतना ही मुझे अप्लाई करना होता है तो मैं इतना ही करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब हमने थोड़ा सा नेक पे भी लगा दिया है। अभी हमने क्या करना है, कॉम्पैक्ट लेना है। और ये जो कॉम्पैक्ट है ये मैंने पर्पल से लिया हुआ है, तो इसका रिव्यू वगैरह भी आपको मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कंसीलर जो कि है मैंने पर्पल से लिया हुआ है, उसका भी मैं आपको रिव्यू बहुत जल्द देने वाली हूँ। तो ये भी है एसक्यू से कंसीलर प्लस कंटूर। तो मैं इसी को अपने जहाँ जहाँ पे एरिया है लाइक जो हाईली पॉइंटेड एरिया वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और जो ये देखिए ये ब्रश के हेल्प से मैं इसको अच्छे से कवर अप कर दूंगी। तो डैब डैब करके हम अच्छे से फेस के चारों तरफ अच्छे से इसे हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो मेरे जो आई लिड में है वहां पे मैंने हल्का सा लगा दिया है कंसीलर, तो उसको मैं अपने फिंगर के हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ। तो उसको मैं अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ। अब उसके बाद जो मेरे अंडर आई लाइन है एरिया वहाँ भी मैं कर रही हूँ। और फिर से लास्ट में मैं फिर से यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेम कॉम्पैक्ट मैंने लगाया है जो कि पर्पल से है। यहाँ पे आईब्रोज के लिए मैंने लिया हुआ है सुगर से आईब्रो पेंसिल। वैसे मैं पर्पल एंड सुगर से मैंने सामान लिया हुआ है, तो उसका भी आपको मैं रिव्यू दिखाने वाली हूँ बहुत जल्द। तो देखिए हमने इसको ये जो आईब्रो पेंसिल है इसको हमने इस तरह अच्छे से जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है खाली स्पेस वहाँ पे हम फिल करते जाएंगे। ज़्यादा हमने इसे घसना नहीं है आईब्रोज पर तो वो फेक दिखेगा।
तो हमने क्या करना है ये देखिए, हल्का सा हमें बस यूज़ करना है इसे। उसके बाद हल्का सा हम ब्रश कर देंगे। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने मल्टी कलर आई शैडो पैलेट लिया हुआ है। आप कोई भी आई शैडो पैलेट यूज़ कर सकते हो जिसमें ये कलर हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तीन कलर लिया हुआ है, एक तो है डार्क ग्रीन कलर, उसके बाद ग्रीन कलर, उसके बाद ब्लैक कलर भी मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे आईज के क्रीज एरिया में डार्क ग्रीन, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देखिए ये आई के जो आउटसाइड कॉर्नर है वहाँ पे फोकस रख के हमें हल्का सा उसे स्प्रेड करते जाना है। अब हमने जो इनर कॉर्नर का है साइड, वहाँ पे हमने जो ग्रीन कलर है आई शैडो वो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखिए मैं इस तरह कर रही हूँ। अभी हमने थोड़ा सा और ग्रीन कलर ब्राइट दिखाने के लिए हमने यहाँ पे और एक ब्रश लिया हुआ है, तो उसके हेल्प से मैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आई शैडो है उसको अप्लाई कर रही हूँ। ये जस्ट सिमिलर लुक देगा आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने व्हाइट आई शैडो लिया हुआ है, तो उसको मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही करो। हल्का सा आप जस्ट जो पॉइंट है वहाँ पे बस उसमें ही आप अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैंने मेवलिन का अलग से मैंने ब्लैक आई शैडो लिया हुआ है, क्योंकि वो जो आई शैडो था उस पर नहीं था। तो देखिए आप ऐसे पॉइंटेड करके आप इसको ड्रॉ करिए एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद एक सॉफ्ट ब्रश के हेल्प से आप इसको ब्लेंड करते जाना। याद रखिए आप ज़्यादा ब्लेंड मत करिएगा, हल्का से बिल्कुल करना है, क्योंकि जो हमारे आई का जो आउटसाइड कॉर्नर एरिया है वहाँ पे हमने हल्का सा विंग टाइप रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आइकॉनिक काजल यूज कर रही हूँ जो कि है ब्लैक। तो हमने सबसे पहले इसके जो हमारे आई का जो आउटसाइड कॉर्नर एरिया है वहाँ पे हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम काजल को हल्का सा अंडर आई पहले एक लाइन कर देंगे, फिर साइड में से हल्का सा एक विंग जैसा दे देंगे शेप। उसके बाद हम लाइनर के हेल्प से, लाइनर जो है वो मेवलिन हाइपर ग्लॉसी लिक्विड लाइनर है, तो हम ऐसे विंग बनाते हुए जो आई लीड है वहाँ से हम लेते हुए जाएंगे, तो उसे एक विंग का शेप दे देंगे इस तरह। ठीक इसी तरह सेम काजल को हम अभी डाउन पार्ट जो कि आई लीड का जो डाउन एरिया है उसमें हम लगाएंगे, हल्का सा लगाएंगे। उसके बाद उसके ठीक नीचे एक लाइन पर मैं लाइनर लगा रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये मर्ज बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत देर तक रहेगा आपका ये जो मेकअप। अगर आप ऐसे कर रखोगे करके तो सही में आपको मैं बता रही हूँ आपका ये जो मेकअप है बहुत देर तक रहेगा। तो आप काजल अप्लाई करने के बाद उसके ठीक नीचे एक बॉर्डर लाइन करते जाना जो आईलाइनर से। तो मैं देखिए इनर कॉर्नर जो आई का इनर कॉर्नर है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो बस हमारा काजल लगा लिए हैं। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, अभी लास्ट हमने फिर से एक ब्रश के हेल्प से जो ग्रीन आई शेडो है उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अभी हमने ये जो हाइलाइटर है वहां से मैंने लिया हुआ है, हल्का सा मैंने ईयरबड के हेल्प से मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ है अभी।
तो देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्लश भी कर दिया है। उसके बाद हाइलाइटर भी सेम ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी मैं मस्कारा लगा रही हूँ। तो ये है मेवलिन का मस्कारा जो कि है हाइपर कर्ल। तो सबसे पहले मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। उसके तो जो मस्कारा है मैं यहाँ पे डाउन पार्ट भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, इससे और भी जो मेकअप का लुक है वो उभर के आता है। तो ये आप स्किप बिल्कुल ना करें। तो ऑफलाइन में अपना आईलैशेस लगा के आती हूँ। तो देखिए मैंने ऑफलाइन आईलैशेस लगा लिया है। अभी इसके ऊपर मैंने एक लाइन आईलाइनर अप्लाई कर दिया है जिससे कि आपको ये जो लुक है ये बिल्कुल नेचुरल लुक लगेगा। जो आपका आईलैशेस है बिल्कुल नेचुरल लगेगा। तो बस इतना ही है मेकअप। अभी बस टचअप के लिए मैंने यहाँ पे हाइलाइटर थोड़ा सा लगा दिया है। अब थोड़ा सा इनर कॉर्नर आई एरिया में भी मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर पिंच कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिपस्टिक जो कि लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ जो कि मेबलिन लिप ग्रेडेशन ऑरेंज 1। बस ये अब मैंने अप्लाई कर दिया है। तो देखिए हमारा ये जो मेकअप है ये हो गया है। अब फाइनल लुक देते हैं इसको। और जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा हुआ है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेंशन ना ले। तो चलिए फिर फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बस मैंने फाइनल लुक में मैंने बिंदी अप्लाई करा हुआ है और थोड़ा बहुत मैंने सिंदूर वगैरह साड़ी पहन लिया है। बस यही लुक है आपका। कोई भी फेस्टिवल में आप ये कर सकते हो, सावन में भी आप कर सकते हो, तीज में भी आप कर सकते हो। तो होप आपको ये लुक अच्छा लगे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और वैसे मैरिड वुमेन के लिए ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।